ठीक है, स्टार्ट करें अपन इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? ठीक है, इरिगेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या है? ठीक है, इरिगेशन का क्या मतलब है? सिंचाई। बहुत बढ़िया, सिंचाई का क्या मतलब है? हिंदी में बता दो चलो आप मुझे कि इरिगेशन का मतलब आपने मुझे सिंचाई बताया है, बहुत बढ़िया। और सिंचाई का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंचाई, इरिगेशन? द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप इन द ड्राई सीजन। ठीक है, ड्राई सीजन में जैसे भारत जो देश है इसके अंदर पूरी जो साल है उस टाइम पे बारिश तो होती नहीं है। ठीक है, तो कुएं, तालाब, बावड़ियां, ठीक है, या ग्राउंड लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि ड्राई सीजन के अंदर आपको कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड बाय विच यू कैन प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन आपके लिए कंसर्न क्यों है? ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होना चाहिए कि जिन लोगों को खेती बाड़ी करनी है उनको उस चीज की समझ होनी चाहिए कि पानी चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन पानी प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पानी कितना है कितना नहीं है, पहले तो आप ग्राउंड वाटर टेबल के बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे, कितना है, कितनी जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से कोई ना कोई जो है नहर यदि आपको बनानी है तो नहर वहां बनाई जाएगी, कोई जो है ट्यूबवेल्स वगैरह यदि वहां पर डेवलप करनी है तो ट्यूबवेल्स बनाई जाएगी। मतलब जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई आप दे सकते हैं उन सोर्सेज ऑफ सप्लाई के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, एज ए सिविल इंजीनियर योर ड्यूटी इज टू प्रोवाइड द वाटर इन द केस ऑफ ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वाटर जो है प्रोवाइड करें, क्योंकि भारत सदियों से एक कृषि प्रधान देश हुआ करता है। ठीक है, अभी भी है, हुआ करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, पहले हम जो है पहले निर्यात करते थे, अब आयात करने की जरूरत पड़ती है आपको। बाहर दूसरी कंट्रीज से जो है काफी सारी फूड सप्लाई जो है आपकी कंट्री के अंदर आ रही। पहले टाइम उल्टा था, पहले आप जो है आप सप्लाई करते थे, अभी जरूरत पड़ती है। पहले जीडीपी की बात करें, ठीक है, जब हम स्वतंत्र हुए थे उसके आसपास जो है जीडीपी लगभग 50% के आसपास जो है सिर्फ कहां से मिलता था, कहां से मिलता था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से मिलता था। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। जीडीपी क्या बताता है कि आप जो भी चीज डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उसमें इस सेक्टर का कितना रोल है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, ठीक है, एग्रीकल्चर का क्या रोल है। तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है बाय द टाइम। ठीक है, दूसरे सोर्सेज नए सोर्सेज बन गए हैं, लेकिन एक जो चीज है फूड चाहिए, तो फूड के लिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फूड का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा और जरूरत पड़ रही है कि अब जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। और पानी यदि पूरे साल भर यदि नहीं मिल सकता है, नेचुरल सप्लाई से यदि नहीं मिल सकता है, तो आपको आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। इसी चीज को हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन में आपको कितना पानी देना है, ठीक है, एक तो मिल जाएगा नेचर से और दूसरा जो है आर्टिफिशियल रास्ते आप बनाएंगे कि जब नेचर से पानी मिला तो उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, बारिश जहां पर ज्यादा हुई है, जहां पे नदियों का पानी जहां पर जा रहा है तो नदियों में पानी है। ठीक है, लेकिन आसपास का एरिया सूखा पड़ा है तो नदियों से पानी पहुंचाया कैसे जाएगा, तो उसके लिए आर्टिफिशियल मेथड्स हम यहां पर लगाएंगे कि नेचर ने जितना सप्लाई कर दिया उसके अलावा कितनी और जरूरत है वो पानी यहां पर पहुंचाया जाएगा। तो वो डिपेंड किस बात पर करेगा कि जो भी प्लांट्स हैं, क्या हर एक प्लांट सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेता है या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है। तो आप प्लांट्स को भी स्टडी करेंगे, आप ये देखेंगे किस प्लांट के लिए कितनी पानी की जरूरत है, क्योंकि आपको फाइनली वाटर सप्लाई करना है। तो वो डिपेंड किस पे करेगा कि कितना पानी जरूरत है। ठीक है, और उस जरूरत में से कितना तो नेचुरली मिल गया, जो बाकी बचा है वो आप सप्लाई कर दो। ठीक है, तो सारा का सारा डिस्कशन आपका इसी पर रहेगा। क्या सोइल की क्वालिटी भी जिम्मेदार होती है कि कितना पानी देना पड़ेगा? अगर नेचुरली यहां पर पानी आया और सारा का सारा पानी डीप पेनिट्रेशन में चला गया, अंदर चला गया, कब जाएगा? जब सैंडी सोइल होगी। अगर क्ले टाइप की सोइल है, पानी आया तो वो वहीं रिटेन रहेगा। अगर सैंडी सोइल होगी तो डीप पेनिट्रेशन वो कर सकता है, तो पानी आया लेकिन जहां जहां पर प्लांट्स की रूट्स है वहां पानी ठहरा ही नहीं। पानी कहां चला गया? ग्राउंड वाटर टेबल यहां पर है, ठीक है, जीडब्ल्यूटी यहां पर है, तो क्या पानी प्लांट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में प्लांट जो है मरना शुरू कर देंगे। तो क्या किया जाता है, इस लेवल को बढ़ाया जाता है कि रूट जोन जहां पर है उसके आसपास पानी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही पानी का लेवल गिरता है तो आप क्या कर देते हैं, फिर से सिंचाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो हम इर्द गिर्द रहेंगे किसके, प्लांट के, कि प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है, किन चीजों पर रिक्वायरमेंट डिपेंड कर रही है, सोइल टाइप पर डिपेंड करेगी, एनवायरमेंट कंडीशन पर डिपेंड करेगी। कहीं का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो पानी की ज्यादा जरूरत है, जैसे गमलों में पानी डालते हैं, बरसात के दिनों में ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
और अगर बात करें समर्स में आपको हो सकता है दिन में दो बार पानी डालने की जरूरत पड़े, समझे आप मेरी बात को? तो ये डिपेंड करेगा काफी सारे फैक्टर्स पर, वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? नोट करो आप, इरिगेशन इज, नोट करेंगे आप, इरिगेशन एंड द मेथड ऑफ इरिगेशन, हेडिंग डाल लो, द इरिगेशन एंड द मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन एंड द मेथड ऑफ इरिगेशन। प्लांट्स रिक्वायर्स वाटर, प्लांट्स रिक्वायर्स वाटर, प्लांट रिक्वायर्स वाटर। क्या सिर्फ पानी ही चाहिए प्लांट को? ओवर फ्लडिंग करके रख दो कभी आप, तो क्या प्लांट जीवित रह सकता है? बहुत ज्यादा पानी दे दो, जरूरत के हिसाब से भी ज्यादा पानी दे दो, तो क्या जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो किस चीज की और जरूरत है? एयर की, एयर की भी जरूरत होती है, ठीक है? तो नोट करें आप, द प्लांट्स रिक्वायर्स वाटर एंड एयर, द प्लांट्स रिक्वायर्स वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर सर्वाइवल। द प्लांट्स रिक्वायर्स वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, द सप्लाई ऑफ द वाटर बाय नेचर, सप्लाई ऑफ द वाटर बाय नेचर, नेचर से कैसे मिलते हैं? रेन, ठीक है? नोट करो आप, ब्रैकेट में लिख लो, डायरेक्ट रेन, सप्लाई ऑफ वाटर बाय नेचर, ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट रेन, डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, हैंस वी नीड सम आर्टिफिशियल मेथड्स, हैंस वी नीड सम आर्टिफिशियल मेथड्स टू प्रोवाइड वॉटर, टू प्रोवाइड वॉटर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, टू प्रोवाइड वॉटर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, टू प्रोवाइड वॉटर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट is called irrigation, is called irrigation. तो irrigation में क्या क्या concern होगा आपको, ठीक है? irrigation में क्या क्या concern है? पहले चीज तो आप ये देखोगे कि plant को, किसी भी plant को, ठीक है, जो plant given है उस plant को कितना पानी चाहिए, ठीक है? तो पहला जवाब देंगे आप, how much amount of the वाटर इज नीडेड, ठीक है? पहला जवाब आपको ये ढूंढना होगा कितना पानी चाहिए, ठीक है? दूसरा ये ढूंढना पड़ेगा व्हेन दिस वाटर इज टू बी अप्लाइड, ठीक है? जब प्लांट छोटे होते हैं और ओवर फ्लडिंग कर दें, ठीक है? आपने देखा होगा ना किसान भाई क्या करते हैं कि पहले बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद में जब तक कुछ सेंटीमीटर तक वो बड़ा नहीं हो जाता प्लांट, तब तक सप्लाई नहीं देते, ठीक है? रोक करके रखते हैं, क्यों? बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि कोई बच्चा है और बच्चे को जो है आप सारी फैसिलिटीज दे देते हैं तो वो अपने पैरों पर चलना शुरू नहीं करता है, ठीक है? वो कमजोर पड़ जाता है, तो प्लांट उस समय कमजोर है, ग्राउंड में पानी है थोड़ा बहुत, पहले फर्स्ट वॉटरिंग दी जाती है, बीज डालने से पहले पानी दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद में बीज डाला, प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हुआ, तो ग्राउंड में पानी है, तो आप एक्स्ट्रा पानी दे दोगे तो क्या होगा कि वहां पर प्लांट जो है वो मेहनत नहीं करेगा, अपनी जड़ों को पसारेगा नहीं, ठीक है? जड़ों को फैलाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इजिली वाटर मिल रहा है, बिल्कुल बगल में वाटर है वहीं से ले लेगा, तो क्या होगा वो वीक रह जाता है, वो फिर ग्रो नहीं कर पाता, तो क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, और जमीन में जो पानी है उसी पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया जाता है कि जो भी है वो यही है, ठीक है? ग्रो करना है तो यहीं से ग्रो करो, ठीक है? तो जैसे जैसे वो वाटर की जब कमी है तो जड़ों को फिर वो फैलाना शुरू करता है, और जड़ें जो है वो डीप चली जाती है, उसके बाद में फिर वो जब पानी दोगे तो हर जगह पर वहां पर जड़ से जो है पोषण मिलता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाती है, समझे आप मेरी बात को? तो ये लॉजिक होता है उस जगह पर। तो व्हेन इट शुड बी अप्लाइड, एक और जवाब क्या देना है, व्हेन इट शुड बी अप्लाइड, ठीक है? नोट करेंगे इन चीजों को आप, एंड हाउ इट शुड बी अप्लाइड, एक क्वेश्चन ये भी होगा, हाउ इट शुड बी अप्लाइड,
कैसे देना है, कौन सा मेथड यूज करें। कई लोग तो वो छिड़काव करते हैं उससे स्प्रे, ठीक है, वाटर स्प्रे किया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, गमले में पूरा का पूरा पानी आपने डाल दिया, यानी फ्लडिंग मेथड लगा दिया, ठीक है। तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे पानी देने के लिए, तो वेन इज टू बी अप्लाइड, हाउ मच अमाउंट इज टू बी अप्लाइड, ठीक है, एंड हाउ इट शुड बी गिवन टू द प्लांट, ठीक है। नोट करो आप, द कंसर्न ऑफ इरिगेशन, द कंसर्न ऑफ इरिगेशन, हेडिंग डाल लो, द कंसर्न ऑफ इरिगेशन। The first concern is how to apply. The concern of irrigation, the first concern is how to apply. How to be applied. So how to be applied ka matlab kya hai? How it should be applied? Iska matlab ye hai, the method of irrigation. Agar technical words mein bole, to kaun kaun se methods use kiye jaate hain? Main bataunga aapko, flooding method hota hai, sprinkler method hota hai. ठीक है, कई जगह पे देखो ना, गार्डन्स वगैरह में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, वहां से पानी दिया जाता है, कहीं पर पहले ओवर फ्लडिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो नोट करो आप, द मेथड ऑफ इरिगेशन, इन मेथड्स में आएंगे द फ्लडिंग मेथड, फ्लडिंग मेथड, और मेथड्स हैं फुरो मेथड, फुरो मेथड, और इसके अलावा है स्प्रिंकलर। आया था कि अभी थोड़ी टाइम पहले फुरो, पूरो कहीं बताया था मैंने आपको, मैंने आपको डिफेक्ट्स बताया था, डिफेक्ट्स ऑफ पेवमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि फुरो बन जाते हैं। फुरो मतलब कि जैसे कोई रोड बना और उसमें रोड बनाते समय कॉम्पेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, तो एक भारी भरकम ट्रक जाएगा तो क्या पहिए धस जाएंगे उसमें और रास्ता बन जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, फुरो कहलाते हैं, ठीक है। दिस डिफेक्ट इन द पेवमेंट इज कॉल्ड फुरो। तो यहां पर भी कुछ वैसी चीज हम देखेंगे, फुरो इरिगेशन मेथड है, ठीक है। नाम से पकड़ो आप चीजों को, नोट करो आप आगे, फुरो मेथड और द स्प्रिंकलर मेथड एक्सेट्रा, स्प्रिंकलर मेथड एक्सेट्रा, और भी मेथड्स हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द मेथड ऑफ इरिगेशन, दीज आर द मेथड ऑफ इरिगेशन, नोट करो आप। द सेकेंड कंसर्न इज हाउ मच अमाउंट इज नीडेड, ठीक है। द सेकेंड कंसर्न इज हाउ मच अमाउंट इज नीडेड, हाउ इट शुड बी अप्लाइड, how much amount is needed and when it should be applied, these are the three major concern of irrigation. How much need to be applied, ye kis cheez pe depend karega, kitna pani dena hai kis cheez pe depend karega, pehle se hi pani hai dene ki zarurat nahi hai, theek hai, pehle se hi pani available hai dene ki zarurat nahi hai, agar water level kam ho gaya to yahan par indication milna start ho jata hai, theek hai, plant jo hai jitna moisture yahan par leaves wagera mein aata hai utna moisture nahi reh pata, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बढ़ने की पोजीशन पे पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में तो पानी देना ही पड़ेगा, ठीक है। नोट करो आप, दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोइल, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोइल, अगर एक लिमिट से मॉइस्चर कंटेंट सोइल का कम हो जाए तो पानी देना पड़ेगा आपको, और कितना अमाउंट देना है वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, कितना मॉइस्चर कंटेंट वहां पर है इस बात पर डिपेंड करेगा। नोट करो आप, how much need to be applied, this depends on the moisture holding capacity of the soil, this depends on the moisture holding capacity, the moisture holding capacity of the soil, word jod diya apne moisture ke sath holding, kahin aisa na ho ki pani de aur kuch samay to gila hai uske baad mein deep penetration mein chala jaye to bhi matlab nahi dobara pani dene ki zarurat pad jayegi, theek hai, to moisture holding capacity, pani ruk sakta hai, तो मॉइस्चर कैपेसिटी भी कह सकते हैं आप कि कितना पानी रिटेन रहेगा, नोट करो आप। तीसरा पॉइंट है व्हेन टू बी अप्लाइड, द थर्ड पॉइंट इज व्हेन व्हेन टू बी अप्लाइड, नोट करो इसमें आप, कब जरूरत पड़ती है, बातों से आपको समझ में आया होगा कि जब एक लिमिट से नीचे चला जाए पानी का लेवल, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, वहां पर देखिए आपने मॉइस्चर जितना रिटेंड है वो एक लिमिट से जब ज्यादा नीचे चला जाए और प्लांट्स मरने की कंडीशन में आ जाए उस टाइम पर पानी देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नोट करो आप, व्हेन द सोइल मॉइस्चर लेवल डिप्लीटेड, व्हेन द सोइल मॉइस्चर लेवल डिप्लीटेड, व्हेन द सोइल मॉइस्चर लेवल डिप्लीटेड टू 50 to 60%, व्हेन द सोइल मॉइस्चर level depleted to 50 to 60%, 50 से 60%
deplete ho jaye, matlab kam ho jaye. Depleted to 50 to 60% of the moisture holding capacity. 50 to 60% of the moisture holding capacity. Kya samjhe aap? Iska matlab ki agar aapne jis samay pani diya tha, isne moisture kitna hold karke rakha hai. Maan lo x amount ka moisture hold karke rakha hai. To jaise hi ye amount 0.5x se 0.6x deplete ho jaye, yani ki bache kitna? 0.4 से 0.5, ठीक है, इतना यदि बचा रहे उस कंडीशन में आपको पानी दोबारा डालना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे कि जितना डाला है पहले वो तो खत्म कर ले, नहीं, क्या करें, और डालना पड़ेगा वरना प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, समझे आप मेरी बात को, नोट करो आगे, नोट करें, द इरीगेशन टेक्निकल परिभाषा लिख लो इरीगेशन की, द इरीगेशन इज डिफाइंड एज, इरीगेशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन. The irrigation is defined as the science of artificial irrigation is defined as the science of artificial application of water to the land. Science of artificial application of water to the land. In accordance with the crop requirement, in accordance with the crop requirement, throughout the crop period, एक वर्ड यूज कर रहे हैं आप, इसका क्या मतलब है? जितने समय तक क्रॉप फील्ड पर रहती है, मतलब बोने से लेकर के काटने तक, ठीक है, फील्ड पर जितने समय तक लिए क्रॉप रहा है वो क्रॉप पीरियड कहलाता है. फॉर द फुल नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप, फॉर द फुल नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, फॉर द फुल नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप, मतलब न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे प्रॉपर. For the full nourishment of the crop, for the full nourishment of the crop, spelling important रहेगी आपके लिए, ठीक है, ये spelling रही इसकी, ठीक है, for the full nourishment of the crop, note कर लिया आपने ये. देखो water जैसे आपको भी जरूरत पड़ती है, आपका जो body है लगभग 70% पानी है, तो वाकई में पानी की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है आपको? पानी क्यों पीते हैं? क्यों पीते हैं पानी? प्लांट्स पानी क्यों चाहिए? पानी पानी नहीं चाहिए, बेसिकली न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, इसको सोडियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कुछ और भी जो है आयन चाहिए इसको, वो किसके थ्रू मिलते हैं? वाटर के थ्रू. तो बोलते ना आजकल, बोलते भी हैं कि एक्वागार्ड का पानी वानी मत पियो, क्यों? क्योंकि एक्वागार्ड जब फिल्टर करता है ना तो जो न्यूट्रिशन है वो भी निकाल देता है, तो पानी क्या रह जाता है? सिर्फ खाली पानी रह जाता है. अभी थोड़े दिन पहले आया था ना कुछ, वो अशोक गहलोत जी का एक वीडियो जो है वो मॉडिफाई करके जो है शेयर किया था, ठीक है, कि बांध में से ये निकाल दिया, बांध में से कुछ कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वो खैर गलत था. आप बिजली निकाल दी, ठीक है, बिजली निकाल दी तो फिर पानी पानी रह जाएगा, उसका हम क्या करेंगे, ठीक है, वो खैर वो गलत वीडियो था, वो सही वीडियो था नहीं, मॉडिफाइड था. लेकिन आप यहाँ देखो, मेरा कंसर्न ये है कि प्लांट जब पानी ले रहे हैं, जब वाटर ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट जब वाटर ले रहे हैं तो बेसिकली वाटर नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कि सोइल में काफी सारा न्यूट्रिशन है, तो वो पानी के थ्रू, पानी के साथ डिसॉल्व होकर के कहां चला जाता है? प्लांट्स में चला जाता है, जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, समझे आप? तो इस वजह से वाटर जो है ये जरूरी है, ठीक है, नोट करो आप. क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट कंसर्न आता है, क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी, क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी, नोट करें. The crop yield is expressed as crop yield, मतलब पैदावार कितनी है, crop yield कितना production हो रहा है, crop yield and productivity, the crop yield and productivity, the crop yield is expressed as, the crop yield is expressed as the quintals per hectare, quintals per hectare, मतलब एक हेक्टर में यदि आप कोई क्रॉप यदि डेवलप करने गए तो कितना जो है प्रोडक्शन होगा, उसका अमाउंट आप क्विंटल्स में ले लें
तो क्विंटल्स पर हेक्टर क्रॉप यील्ड को डिफाइन करता है, ठीक है। तो कितना प्रोडक्शन हुआ क्विंटल्स के अंदर पर हेक्टर यूनिट में, पर हेक्टर एरिया में, वही क्या कहलाता है, क्रॉप यील्ड कहलाता है, ठीक है। तो यूनिट भी ध्यान रखें और इसी से डेफिनेशन भी बन रही है। क्रॉप यील्ड क्या है, द प्रोडक्शन इन क्विंटल्स पर हेक्टर ऑफ द एरिया इज द क्रॉप यील्ड, ठीक है, नोट कर लो आप आगे। और यू कैन से, और यू कैन से क्विंटल्स की जगह टन्स भी यूज कर सकते हैं, टन्स पर हेक्टर, ठीक है, कोई टन्स पर किलोमीटर स्क्वायर भी कर सकता है, ठीक है। तो जनरली खेती बाड़ी में हेक्टर्स यूनिट यूज की जाती है, हेक्टर्स, बीघा, इस तरीके की जो है यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो यही यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात को। मैंने आपको बोला हुआ है कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसके अंदर इंपेरिकल जो फॉर्मूले आते हैं तब बेसिक यूनिट्स काम आती है। तो एरिया की बेसिक यूनिट इरिगेशन में क्या चल रही है, हेक्टर चल रही है, ठीक है, ध्यान रखो। ट्रांसपोर्टेशन में क्या चलती थी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां लिखते थे स्ट्रेस लिखते समय किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सोम में, आरसीसी में, इनमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में वर्क करते थे, ठीक है। तो यहां इसकी बेसिक यूनिट आ गई आपकी एरिया की, हेक्टर्स में हम कैलकुलेशन करेंगे हमेशा, ठीक है, नोट करो आप। अगला है द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इज एक्सप्रेस्ड एज द क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड पर एमएम ऑफ द वॉटर अप्लाइड, द क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन क्रॉप यील्ड पर एमएम ऑफ वॉटर अप्लाइड, पर एमएम ऑफ वॉटर अप्लाइड। हाइड्रोलॉजी पढ़ ली आप लोगों ने, ठीक है, हाइड्रोलॉजी में मैंने आपको प्रेसिपिटेशन बताया था, ठीक है, या इवोपरेशन होता है, ठीक है, या कहीं पर भी कुछ भी लॉसेस वगैरह कुछ भी निकालना होता है, क्या यूनिट चलती थी यहाँ पे, यहाँ पे कुछ चलता था जैसे रेनफॉल इंटेंसिस सेंटीमीटर पर आर, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते थे कि आप इन टर्म्स ऑफ डेप्थ मेजर करते थे, ठीक है, कि कोई गिवन एरिया है यहां पर बारिश हुई तो अगर इसको लॉक कर दे सब तरफ से तो इसका लेवल कितना बढ़ेगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेप्थ की टर्म्स में आप यहां पर मेजर करते हो। इस जगह पर भी आप क्या बोल रहे हो, वॉटर जो अप्लाई किया जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ डेप्थ होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई एरिया दे दिया जाए और ये एरिया मान लेते हैं कुछ हजार मीटर स्क्वायर के बराबर है, इतने बड़े एरिया में आपने पानी दिया, टोटल वॉल्यूम आपको दे दिया जाए कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कुछ 30 × 10^3 या फिर ऐसे लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, इतना पानी आपने दे दिया, मीटर क्यूब, ठीक है, 300 मीटर क्यूब पानी आपने दे दिया। तो यहां पर आप डेप्थ निकाल सकते हैं कि कितना इक्विवेलेंट डेप्थ कितनी है, अगर टोटल वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब दिया है इतने बड़े एरिया में तो इक्विवेलेंट टू डेप्थ निकाल सकते हैं आपके कितना डेप्थ के बराबर आपने पानी दिया है। द डेप्थ विल बी गिवन बाय, द डेप्थ विल बी गिवन बाय द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, सो दिस विल बी 300 / 1000, तो यह आ जाएगा 0.3 मीटर, यानी 30 सेंटीमीटर के बराबर आपने वहां पर पानी दिया है। समझे मेरी बात को। तो जनरली जब बात करेंगे ना हम कभी भी कि कितना पानी देना है या कितना इवोपरेट हो गया तो इन टर्म्स ऑफ डेप्थ करेंगे, ठीक है। तो कितना आप यहां पर देख रहे हो, द प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द क्रॉप यील्ड, ठीक है, पर एमएम ऑफ द वॉटर सप्लाइड, पर एमएम ऑफ द वॉटर सप्लाइड, दीज आर द डेफिनेशंस, नोट करें आप। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे दो इंपॉर्टेंट क्रॉप रहेगी आपके लिए हमेशा ध्यान रखना, एक तो राइस है और दूसरा वीट है, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जब भी डाटा है याद रख लो डाटा को, ठीक है। तो क्रॉप, दो क्रॉप्स के बारे में हम जनरली डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट क्रॉप इज राइस एंड द अदर क्रॉप इज वीट, ठीक है। चावल और गेहूं के बारे में जितना भी डाटा है वो सारा डाटा आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉटर अप्लाइड, द वॉटर अप्लाइड, इसके लिए सिंबल डेल्टा यूज किया जाता है, ठीक है, द वॉटर अप्लाइड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, मतलब डेल्टा कितना है, डेल्टा मतलब वाटर कितना अप्लाई किया है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, डेप्थ कैसे कैलकुलेट होता है, तो वाटर अप्लाइड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ इन सेंटीमीटर दिस इज जनरली गिवन, दिस इज 120 सेंटीमीटर फॉर द राइस एंड 40 सेंटीमीटर फॉर द वीट, मतलब टोटल इसके डेवलपमेंट में टोटल ग्रोथ करवाने के लिए राइस जब यहां पर पैदा करना है तो उस टाइम पर 1.2 मीटर के बराबर इक्विवेलेंट पानी देना पड़ेगा आपको, जितना बड़ा खेत उस हिसाब से टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, नोट करो आप। तो 120 सेंटीमीटर इज द रिक्वायरमेंट फॉर द राइस एंड 40 सेंटीमीटर ये फुल ग्रोथ के लिए, मतलब टोटल अमाउंट बता रहे हैं आपको कि जब आपने बीज डाला वहां से लेकर के जब हार्वेस्टिंग कर दी टोटल पानी इतना लगेगा, ठीक है।
तो 120 सेंटीमीटर नोट करेंगे आप. द नेक्स्ट थिंग इज यील्ड. यील्ड दी दे रहे हैं अपन यहां पर क्विंटल पर हेक्टर के अंदर, ठीक है, क्विंटल्स पर हेक्टर में. द यील्ड इज 45 ईयर, द यील्ड इज 50 ईयर. देखो राइस ने वीट के कंपैरिजन में पानी ज्यादा खाया है या कम खाया है, कैसे पता लग जाएगा? जिसका डेल्टा ज्यादा, मतलब सेम एरिया में जिसने ज्यादा डेप्थ में पानी दिया है उसने ज्यादा पानी लिया है, ठीक है. और यहां पर आप देखो पैदावार भी किसकी ज्यादा है, राइस की ज्यादा है या वीट की ज्यादा है? वीट ने कम पानी कंज्यूम किया और साथ ही साथ में उसने ज्यादा प्रोडक्शन दिया, इसका मतलब यही तो है. तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से सस्ता कौन सा मिलेगा मार्केट में? कि कम पानी में यानी कि पैसा भी कम लगा और साथ ही साथ में प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ, तो वीट हमेशा आपको सस्ता मिलेगा इन कंपैरिजन टू राइस. अगर रेट्स बढ़ते भी हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि चावल तो 50 रुपए किलो मिल रहा है और गेहूं जो है 80 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहां से भी आपको डाटा से नजर आ रहा है, ठीक है. आगे देखो आप, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी. मैं आपको सिर्फ थीम दे रहा हूं कि इस तरीके से आप सोच सकते हैं, कभी क्वेश्चन बैठ सकता है इस तरीके से, ठीक है. Which will be more costly, which will be less costly, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि जितना पानी वगैरह देते हो ना आप, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको उतने ही मेथड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, उतना ही ज्यादा खर्चा आता है. तो खर्चा यहाँ ज्यादा है जिसका ज्यादा पानी दिया, और अमाउंट यहाँ पर कम डेवलप हो रहा है क्योंकि यील्ड बताता है कितना पैदावार हुआ है पर हेक्टर के अंदर, ठीक है, क्विंटल्स पर हेक्टर. नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी बता सकते हो आप? सारा डाटा दिया हुआ है आपको, ठीक है. आपको दो ही चीज की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी क्या थी, यील्ड पर एमएम ऑफ द वाटर अप्लाइड, ठीक है. नोट करो आप और बताओ मुझे प्रोडक्टिविटी किलोग्राम पर हेक्टर पर एमएम में कितना आ रहा है. व्हाट इज किलोग्राम, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी इन किलोग्राम पर हेक्टर पर एमएम, यील्ड डिवाइडेड बाय एमएम. तो किलोग्राम पर हेक्टर में देखें तो क्विंटल्स, एक क्विंटल में कितना होता है, 100 केजी, ठीक है. तो 100 केजी यहां पर हो गया डिवाइडेड बाय हेक्टर में ही चल रहा है ये तो, ठीक है. और साथ ही साथ में इसको डिवाइड करना था किसमें, एमएम के अंदर. तो 120 सेंटीमीटर है तो ये 1200 एमएम हो जाएगा, ठीक है. बताओ कितना आ रहा है, दिस इज 3.75 किलोग्राम पर हेक्टर पर एमएम. कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी कैलकुलेशन आती है एग्जाम में, ठीक है. आपको यील्ड दे दें, आपको डेल्टा दे दें और आपसे पूछे कि भाई प्रोडक्टिविटी निकालो, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. दूसरा भी बता दो, दूसरे की कैलकुलेशन हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 400, ठीक है. व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज 12.5. तो बेसिकली ये रिलेट करता है कि भाई कितना महंगा वगैरह भी होगा, ये भी आप बता सकते हो. अगर ये 3.75 रुपीज पर केजी में आ रहा है तो ये 12.5 रुपीज पर केजी के अंदर आना चाहिए, ठीक है. लगभग लग रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्टिविटी रेशियो के हिसाब से चल रही है. पर एमएम में दोनों को यदि सेम अमाउंट का वाटर दिया जाए, दोनों को अगर सेम एरिया दिया है, हेक्टर 1 हेक्टर 1 mm दिया जाए, यहां पर भी 1 हेक्टर 1 mm दिया जाए, तो इसका प्रोडक्शन तो 3.75 केजी होगा और इसका प्रोडक्शन 12.5 केजी होगा. तो किस रेशियो में कॉस्ट होनी चाहिए, इसी रेशियो में कॉस्ट होनी चाहिए जितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि काम उतना ही किया, ठीक है, मेहनत उतनी ही करी, एरिया भी उतना ही बढ़ा लिया, 1 हेक्टर 1 mm, ठीक है. प्रोडक्शन हो रहा है राइस का 3.75 केजी और वेट का हो रहा है 12.5 केजी, ठीक है. आगे चलें, नोट करेंगे आप एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉप इरिगेशन, ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप इरिगेशन बता दो, आप लोग बता दो पहले एडवांटेजेस क्या होंगे अगर आप इरिगेशन करते हैं तो, क्या एडवांटेज है, क्या कह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर, ठीक है. बहुत भारी भरकम बात हो गई अभी सी, इसके अलावा और कोई? देखो अपने देश में बारिश थ्रू आउट नहीं होती, अगर इरिगेशन नहीं करोगे तो जब बारिश होगी उसी टाइम पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, बाकी टाइम पे इंतजार करो, ठीक है. तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज तो ये, अगर इरिगेशन करते हैं तो थ्रू आउट द ईयर जो है क्रॉप डेवलप की जा सकती है, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ. और जहां आपने देखोगे ना कि वो प्राचीन सभ्यता जो विकसित हुई, कहा इंडस वैली वगैरह, ठीक है, नदियों के आसपास, क्यों, क्योंकि लोगों को सर्वाइवर के लिए वाटर की जरूरत है, ठीक है. उसके अलावा किस चीज की जरूरत है, कि वहां पर उसको फूड भी मिल जाए. तो वहां कोई मीडियम नहीं था पहले, वहीं खेती बाड़ी, वहीं का पानी लो और वहीं के वहीं जो है डेवलप करो और वहीं के वहीं जो है सब काम कर लो, ठीक है. तो बेसिकली जब भी कोई डेवलपमेंट्स होता है तो वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का काफी रोल होता है. अगर कोई चीज डेवलप हो रही है वहां पर, ठीक है, एरिया डेवलप हो रहा है, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है, तो इरिगेशन एक्टिविटीज वहां पर बेटर है, ठीक है. तभी जाकर के डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाते हैं. और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. तो एम्प्लॉयमेंट भी यहां पर जनरेट होगी, ठीक है. अगर कोई
बांध वगैरह जब बनाया जाता है ताकि नहर वगैरह निकाल सके, कहीं पर कैनाल वगैरह दी जा सके, तो बांध जब बनाया जाता है तो उसके नीचे क्या डाउन स्ट्रीम में आप इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर भी बना सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये सारी चीजें करके बेसिकली आपने कर क्या दिया, आपने काफी सारे डेवलपमेंट्स बना दिए, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं ये कोई रिवर है, इस जगह पर बांध बनाया, ठीक है, और यहां से जो है वाटर जो है लेकर के गए, तो ये कैनाल है, कैनाल के आसपास जो है क्या बन जाता है, रोड भी बन जाता है मेंटेनेंस पर्पज के लिए, इंस्पेक्शन पर्पज के लिए, क्या तो क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी आपने प्रोवाइड कर दी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी वहां पर प्रोवाइड हो गई। नोट करें आप, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस देख रहे हैं हम किसका, इरिगेशन का। इरिगेशन के एडवांटेजेस में दो तरीके के एडवांटेज हैं, एक तो डायरेक्ट एडवांटेज और दूसरा देखेंगे हम इनडायरेक्ट, द डायरेक्ट एडवांटेजेस। पहला डायरेक्ट एडवांटेज है इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन। जैसा हरिओम बोल रहा था कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर, ऐसा तो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या ऐसा अपने देश में कि खेती बाड़ी करें, हो रहा है, न्यूज में तो कुछ और ही दिखाते हैं, ठीक है, फार्मर्स जो है डेली सुसाइड कर रहे हैं, न्यूज में तो ऐसा मिलता है, हो रहा है प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, ठीक है, कोई बात नहीं, इश्यूज आते हैं, लेकिन बेसिकली इरिगेशन करोगे तो फूड प्रोडक्शन तो हो गई होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉस्पर हो लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है वहां पे, जब प्रोडक्शन होगा पैसा भी मिलेगा। नोट करो आप आगे, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। दूसरा है, आपने देखा होगा ना, कई बार सुना भी होगा कि अगर जो है पानी को रोकना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांटेशन करो तो क्या होगा, पानी वहां पर रुकेगा, ठीक है, सोइल का इरोजन भी कम होता है, अगर पानी रुकता है सोइल का इरोजन भी कम होता है। नोट करें आप, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्रॉट, ठीक है, दूसरा डायरेक्ट एडवांटेज है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट। ड्रॉट के बारे में मैंने आपको हाइड्रोलॉजी में बहुत डिटेल में बताया था, तीन तरीके के ड्रॉट्स हैं, ठीक है, याद है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो वहां एरिडिटी इंडेक्स हम डिफाइन करते थे, ठीक है, इतना ही याद आ रहा है मुझे भी, ठीक है। तीसरा देखो आप, रेवेन्यू जनरेशन, द थर्ड वन इज रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रोडक्शन जब बड़ा तो रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन इस वजह से भी है क्योंकि खाने को तो कितना आप जो है वहां पर पैदा करोगे, डेवलप करोगे, बेसिकली जो कैश क्रॉप्स होती है वो भी डेवलप की जा सकती है, ठीक है। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट कंज्यूमेबल नहीं है, जिसको फार्मर जो है डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो मार्केट पे सेल आउट करेगा, तो कैश क्रॉप्स कैन बी जनरेटेड एंड फ्रॉम देयर द रेवेन्यू विल बी देयर, ठीक है, फ्रॉम देयर द रेवेन्यू विल बी देयर, कैश क्रॉप्स, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, दूसरों के लिए बनाओ। नोट करो आप आगे, अगला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, द नेक्स्ट एडवांटेज इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। नोट करो आप इसमें, इन दिस केस टू और मोर क्रॉप्स कैन बी सोन इन द सेम फील्ड क्योंकि इरिगेशन मेथड में नेचुरली जब पानी मिलता है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना, यहाँ आलू की खेती अच्छी होती है, यहाँ इस चीज की पैदावार अच्छी होती है, यहाँ गेहूं बहुत अच्छा होता है, यहाँ का चावल कुछ अलग ही होता है, ठीक है, यहाँ दालें बहुत अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि नेचुरली जो चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए, एक तो वाटर चाहिए, ठीक है, नेचर से, और दूसरा यहाँ से आपको नेचुरल एलिमेंट चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स या सोइल कितनी फर्टाइल है उससे मिलता है, तो विशेष प्रकार के प्लांट के लिए क्या विशेष प्रकार के फर्टिलाइजर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको, अलग अलग चीज की डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। तो देखो आप जरा, अगर आप रेन पर डिपेंडेंट होते हैं तो सबको, आपको यदि एक फील्ड के अंदर गेहूं भी बोना है, चावल भी बोना है, गन्ने की खेती भी करनी है, यहां पर क्या होगा, एक तो फील्ड आपने सेम रखा है तो नीचे सोइल एक जैसी है, और ऊपर से जब बारिश होगी तो वो भी एक जैसी है, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा, तो क्या सारे के सारे बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इरिगेशन में तो
फैसिलिटीज जो मिल रही है उसमें क्या होगा कि पानी आप जितना जरूरत है उसके हिसाब से आप जो है वहां पर दे सकते हैं. आसपास के एरिया में इसमें जैसे फील्ड में आपने चार सेक्शंस बना दिए, यहाँ कुछ और बो रहे हैं, इस जगह पर कुछ और डेवलप कर रहे हैं, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो क्या किया जा सकता है, अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज किए जा सकते हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर जो है कंट्रोल करके डाला जा सकता है, लेकिन नेचुरली आएगा तो उस पर कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है, तो इरिगेशन का फायदा ये भी क्या है, देयर कैन बी द मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसका मतलब दो या दो